हे गाइस, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी कुछ ड्राइंग्स की फोटो जो मैंने यहाँ पर निकाली हुई है। मतलब जो मैंने पेंटिंग्स अपने प्रैक्टिस टाइम में बनाई थी या स्केचिंग की थी या कैनवास पेंटिंग की थी, तो उसके मैंने कुछ फोटोज के प्रिंट आउट यहाँ पे निकाले हुए हैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने किस तरह के वर्क या किस तरह का शीट पे या किस तरह का मेटल यूज करके मैंने ड्रॉइंग बनाई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या ड्रॉइंग्स मैंने आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर जो आती है मेरी, वो आती है मेरी ये वाली पेंटिंग। ये पेंटिंग मैंने जो बनाई थी वो काफी सोच के बनाई थी। मतलब ये डिजाइन या लेआउट जो मैंने किया था, मैंने इंस्पायर हो गया था एमिफोसेन से। तो ये एक गिटार बना था वो पेंटिंग से, जिसे मैंने अलग अलग कलर्स का यूज किया है और उसमें मैंने डिफरेंट टाइप के कलर्स यूज करके मिक्स करने की कोशिश की थी। उस टाइम पर एक्रेलिक कलर मैंने इसमें यूज किया था और एक आइवरी शीट के ऊपर, जो पेपर होता है आइवरी शीट के ऊपर मैंने यूज किया था। तो ये पेंटिंग काफी अच्छी बनी थी उस टाइम पर, मेरे पास आज भी रखी है। ठीक है, सेकंड जो आती है वो होती है हमारी ये वाली पेंटिंग। इसमें क्या किया मैंने, एक आइवरी शीट की हाफ शीट को कट करके मैंने इसमें कलर, सेम कलर मैंने एक्रेलिक यूज किया है इसमें भी। उसमें मैंने एक गर्ल को दिखाया है जिसमें एक ग्रास जो मॉडर्न आर्ट है उसको मैंने शो किया है इस पेंटिंग के अंदर। एक मून पीछे दिखाया है मैंने, पीछे येलो कलर का टेक्सचर जो मैंने दिया, इसमें एक क्रेज दिया। एक इसकी जो देखेंगे आप नेक पे जो है मैंने इसके एक मोती और कोई माला टूटे हुए दिखाया है मैंने इसके अंदर, जो नीचे की तरफ गिरते हुए हैं। तो काफी अच्छी लगी थी ये पेंटिंग। मतलब एक अलग ही पेंटिंग मेरे अकॉर्डिंग बनी थी उस टाइम प्रैक्टिस के टाइम, तो काफी अच्छी बनी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट पेंट जो आती है मेरी, आती है वाली ये पेंटिंग जो मैंने बनाई थी, एक चारकोल चौक को यूज करके बनाई थी मैंने पेंटिंग बनाई थी। ये भी एक आईवी शीट के ऊपर पेपर बनाया था। आईवी शीट उस टाइम में इसलिए यूज करता था कि वो काफी अच्छी क्वालिटी में उस टाइम में मिलता था मुझे, 15 रुपीज का मिलता था। तो चारकोल चौक मैंने इसमें यूज करके बनाया था। तो इसमें मैंने जो मैसेज दिया था वो मैंने ये बनाया था कि ये रिस्पेक्ट ऑफ वुमन। तो इस चीज को मैंने देखते हुए ये मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें आप देख सकते हैं फेस है। फेस में मैंने क्या किया, एक फेस के साइड में एक स्लीपर बनाया जिसमें मैंने एक वुमेन का फेस बनाया जो काफी सैड है। तो ये मैंने टेक्सचर काफी बैक साइड मैंने दिया है इसके अंदर, और इसके अंदर जो फेस के अंदर काफी टेक्सचर उसके अंदर दिया है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी पेंटिंग बनी थी उस टाइम पर। चारकोल मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया था तो काफी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला था चारकोल का। तो काफी हार्ड वर्क भी मुझे करना पड़ा इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी ये वाली। इसमें क्या किया मैंने, इसमें जो मैंने बनाया शिव जी की फोटोज मैंने बनाई है नेट पर से देखकर। ये गाजियाबाद के DSP मैम थी, उनके घर के लिए मैंने पेंटिंग बनाई थी। तो ये काफी साइज बड़ा था इसका, 3x6 फीट का इसका साइज था इस पेंटिंग का। और ये काफी मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस पेंटिंग को बनाने का, क्योंकि मैंने कमीशन वर्क इतना बड़ा पहले बार लिया था अपने लिए। तो काफी टास्क था मेरे लिए इस पेंटिंग बनाने का, बट ये सेम बनी, मुझे काफी खुशी हुई, इसके पेमेंट भी काफी अच्छी हुई। तो ये पेंटिंग काफी अच्छी बनाई थी मैंने, इसमें एक्रेलिक कलर का यूज किया था ऑन कैनवास। ठीक है, तो काफी ब्रश मैंने इसमें अच्छे से यूज किए, काफी बड़े ब्रश यूज किए, काफी टेक्सचरिंग वर्क मैंने काफी दिया इसके अंदर, इसके फ्रेम के लिए काफी मैंने प्रैक्टिस की। तो काफी अच्छी मतलब एक्सपीरियंस रहा था इस पेंटिंग के लिए। जो नेक्स्ट आती है वो आती है हमारी ये वाली। इसमें क्या किया मैंने, इसमें मैंने एक ये भी सेम मीडियम यूज किया है एक्रेलिक एंड आईवी शीट। और इसमें मैंने जो शो किया है वो किया है मैंने, एक हनुमान और एक रावण को मैंने इसमें फाइट करते दिखाया है। मतलब आप नीचे देखेंगे तो ब्लू कलर में जो एक ड्रेस है वो एक रावण की है, और जो इसके ऊपर की जो हनुमान से वो काफी उनके पास वानर सेना आदमी जो फाइट करते मैंने दिखाया, और रावण की फाइट और हनुमान की फाइट मैंने इसे दिखाया था। ये मैंने खुद से सोच कर बनाई थी, काफी इसका जो रियल आप पेंटिंग दें तो काफी अच्छा टेक्स्ट है इस पेंटिंग का, वो काफी अच्छी लगती है देखने। नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी ये वाली पेंटिंग। इस पेंटिंग की बात करें तो ये एक इंडियन डांस के ऊपर मैंने बनाया था। मतलब मुझे प्रैक्टिस करनी थी कि एक फिगर ड्राइंग अगर मैं डांस की बनाता हूँ तो किस तरह की शेडिंग्स में उसमें ड्रेस में दे सकता हूँ। तो ये सोच के मैंने पेंटिंग को प्रैक्टिस की थी, एक्रेलिक कलर ऑन आईवी शीट पर मैंने बनाया था। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, फेस मैंने किसी और किया था और बॉडी मैंने किसी और ली थी, बाकी मैंने ड्रॉइंग कुछ एडिटिंग अपने अकॉर्डिंग की थी। मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उस पेंटिंग को लिए मेरा। नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी ये वाली पेंटिंग। इसमें क्या है आपका मैं बता दूं, उसमें मैंने टाइम की वैल्यू को शो किया हुआ है। मतलब अलग अलग टाइम की वैल्यू को मैंने इसमें शो किया है। जैसा आप देख सकते हैं कि जो नीचे की तरफ एक टाइम जो वॉच पड़ी है, और जो वॉच एक ट्री पर लटकी हुई है, मैंने ये आइडिया लिया था। और जो इसके जो अलग अलग फिगर्स आप देख सकते हैं, अलग अलग क्रिएटिव जो फिगर्स है, माइंड में देखो वॉच बनाई है, ऑरेंज कलर का जो फेस है उसमें मैंने वॉच बनाई है।
तो उसके टाइम की वैल्यू को मैंने दिखाया कि अगर आप टाइम की वैल्यू को देख के चलते हो तो आपके लिए काफी आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है। तो ये सोच के मैंने बैकग्राउंड या ये कलर्स में चूज किया, तो काफी अच्छी मतलब मेरे लिए एक्सपीरियंस आया था उस टाइम पर जब सीखता था 5 ईयर्स पहले। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है मेरी लीफ पेंटिंग। इस पेंटिंग की बात करें तो काफी मतलब मेरे लिए कहें तो डिजिटल पेंटिंग बोल सकते हैं आप इसे, क्योंकि मैंने इसमें काफी अच्छे टेक्सचर यूज किया, काफी अच्छा मैंने इसमें लीफ का कलर यूज किया है। ये मैंने एक्रेलिक कलर से बनाया पेपर पर, आईवी शीट पर। इसमें मैंने दिखाया कि लाइफ की बढ़ती उसको दिखाया मैंने कि आप बॉर्न होते हैं, आप धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है तो आपका कलर या आपकी जो क्वालिटी है वो डाउन होती रहती है। इसमें जैसे कि आप देखते हैं व्हाइट लीफ है, उसके बाद ग्रीन है, फिर उसके बाद रेड है, फिर ग्रीन है, फिर येलो, फिर एक ड्राई लीफ है, मतलब एज का आपका मतलब जो आपके ओल्ड एज आती है। सोचकर मैंने लाइफ के ऊपर मैंने बनाया था कि आप वुमेन लाइफ या लीफ लाइफ कोई भी देख सकते हैं, तो एक स्टेज की तरह चलती है। तो ये डिजिटल पेंटिंग मैंने बोल सकते हैं, मैंने अलग लीफ पिक्स डाउनलोड की थी गूगल से और उसको मैंने कॉपी करके एक एडिटिंग करके एक मैंने ये पिक्चर बनाई थी, पेंटिंग बनाई थी, तो काफी अच्छी लगी है, मेरे घर में अभी भी लगी है, लोग तारीफ भी करते हैं। नेक्स्ट जो आती है वो आती है मेरी ये वाली। इसका साइज थोड़ा छोटा है, इसकी जो डिजाइन है क्वालिटी वो काफी अच्छी क्वालिटी का है। इसमें आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में काफी अच्छा, जो इसका जो रेड सर्कल है वो लिया है एक सन बोल सकते हैं आप, उसके जो फेस की आईज है मैंने बाहर निकाली हुई है थोड़े लुक चेंज करने के लिए। उसके जो नेक का वो काफी मैंने एक डिजाइनिंग के रूप में मैंने प्रैक्टिस करा था उस टाइम पर, जो मैंने प्रैक्टिस के टाइम पर बनाई थी, तो काफी मैंने मॉडर्न पेंटिंग बनाने की कोशिश की थी, तो काफी अच्छा मतलब रिजल्ट मिला था मुझे। मतलब जितनी मैंने पेंटिंग बनाई है काफी अच्छे अच्छे मैंने एक सोच समझ के एक अच्छी तरह प्रैक्टिस करके काफी मेहनत करके मैंने उस टाइम पे सीखा था। अब तो मैं थोड़ा स्पीडली वर्क कर लेता हूँ, बट उस टाइम मैंने काफी केयरफुल होकर मैं एक एक दिन पेंटिंग करके एक दिन में बनाता था। अब जो नेक्स्ट पेंटिंग आती है वो आती है हमारी ये वाली। ये जो पेंटिंग बनाई थी मैंने अपने कॉलेज से पहले बनाई थी, जिसको मैंने बाद में कॉलेज में दिखाया, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। और ये पेंटिंग का जो साइज है 48x30 इंच का है, मतलब काफी बड़ा हो जाता है। और ये पूरी पेंटिंग जो बनाई थी मैंने ब्लैक एंड व्हाइट एंड ग्रे कलर के मिक्सचर से मैंने बनाई थी, और इसमें जो काफी मैसेज मैंने दिए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने मैसेज दिया, मतलब ह्यूमन के आप सैडनेस दे सकते हैं, आप प्रेयर का दे सकते हैं, एंड इसमें मृत्यु को देख सकते हैं, कपल दे सकते हैं, इसमें आप एक सन मून दे सकते हैं कि एक तरफ लाइट। तो ये मैंने काफी सोच के मैंने काफी मतलब एक मंथ के आसपास लग गया था मैं इस पेंटिंग को बनाने में। इतनी मतलब अट्रैक्टिव तो नहीं है, बट ये कह सकते हैं काफी अच्छी मेरे लिए पेंटिंग थी, मेरी फेवरेट में से एक है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट मेरा कलर फेवरेट है, तो उसके हिसाब से मेरी काफी अच्छी पेंटिंग बनी थी। नेक्स्ट आती है हमारी ये वाली पेंटिंग। मैं आपको बता दूं एक कैनवास पेंटिंग है, एक्रेलिक कलर मैंने इसमें यूज किया, और उसमें एक फ्रेम बनाया मैंने, एक बॉक्स बनाया जिसके अंदर मैंने एक फेस दिया रेड कलर का, इसका ना माउथ है ना ईयर फिक्स है, बट ये है कि एक फेस है जो एक एग्जीबिशन या एक आप बोल सकते हैं एक शो पीस के लिए मैंने एक फेस इसके अंदर दिखाया गया एग्जीबिशन में जो होता है, ठीक है। इसमें हेयर्स जो काफी मैं गैपिंग के साथ मैंने इसके हेयर्स बनाए, काफी स्मूथली मैंने इसके हेयर्स बनाए थे। उसकी जो आईज में आप देख सकते हैं एक आईज उसकी ब्लैक शेड में हल्की सी टच आ रहा है, वो एक सैडनेस कलर वाली, क्योंकि जो कलर्स मैंने इसमें दिए हैं वो एक सैड वाले कलर्स दिए हैं, ब्लू एंड रेड, ठीक है ना। तो काफी अच्छा मेरे लिए काफी पेंटिंग अच्छी है, काफी मतलब देखने में काफी अच्छी लगती है पेंटिंग, अगर पास से देखेंगे तो। फोटो में चाहे आपको इतनी अच्छी ना लगे लेकिन काफी अच्छी पेंटिंग मुझे लगती है, काफी बड़ी भी है, तो काफी डिफरेंट शेडिंग इसमें आपको रेड के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी ये वाली पेंटिंग। इस पेंटिंग की बात करें तो ये यूनिवर्स की जो ब्यूटी है उसको मैंने इसमें गर्ल का दिखाया। इसका जो फेस लुक है वो काफी अट्रैक्टिव है, मतलब अगर देखेंगे तो आप इसके फेस में थोड़ा सैडनेस और थोड़ा चेंजेस वाला देखने को मिलता है, क्योंकि उसके हेयर से वो काफी डिफरेंट है। तो उसका जो ब्लू कलर है वो काफी मतलब बैकग्राउंड अगर आप देखें तो यूनिवर्स टाइप का बैकग्राउंड है, उसका जो ड्रेसिंग सेंस है गर्ल्स का वो भी एक इससे मैच करता हुआ मैंने बनाया है। उसके जो नीचे फ्लावर्स आप देख सकते हैं वो मैंने एक कारपेट की तरह यूज किया हुआ है, उसके हाथ में एक पर्स भी दिया हुआ है जो एक गर्ल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है पर्स, तो वो चीज मैंने इसमें दिखाई हुई है। ये भी 30x32 इंच की मेरी पेंटिंग्स है, काफी कैनवास पे काफी अच्छा लुक देती है पेंटिंग अगर पास से देखे तो उसका जो टेक्सचर है वो काफी अट्रैक्टिव है, जिसमें स्टार्स मैंने पीछे दिखाए हुए हैं, मतलब काफी अच्छी पेंटिंग्स में आप देख सकते हो मिल सकता है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी ये वाली पेंटिंग। ये जो पेंटिंग आप ब्लैक एंड व्हाइट में देख सकते हैं ये मैंने कॉलेज में बनाई थी, वर्कशॉप हुई थी तो कॉलेज में मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। तो ये जो पेंटिंग उस टाइम पर मैंने मेरे को माइंड में था नहीं कि मुझे पेंटिंग बनानी है, बट ये था कि एक पेंटिंग जब मुझे बोला गया है मेरे सर ने तो मैंने एक पेंटिंग बनाई, तो एक कैनवास मुझे मिला
तो उस टाइम पे बस कलर्स नहीं थे। उस टाइम पे मैं पेंटिंग बनाने के लिए चारकोल चौक का मैंने यूज किया, जो काफी, क्योंकि मैं चारकोल चौक यूज कर चुका था तो मुझे पता था कि किस तरह चारकोल चौक यूज करनी है, क्या इसमें टेक्स्ट का यूज करना है। तो मैंने चारकोल चौक को यूज किया और मैंने पेंटिंग को क्रिएट किया। इस पेंटिंग की जो डिजाइनिंग जो लेआउट है वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। इसमें जो एक सैड मैंने वो दिखाया गया है, बैठा हुआ है जो काफी सोच रहा है अपने बारे में। यह जो एक इसके डिजाइन है, बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, एक मंदिर की शेप मैंने ली है, जो एक वैरायटी का वो इसके काफी अट्रैक्टिव बताई है पेंटिंग के अंदर। और ये ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग पूरी काफी अच्छी बनी थी वर्कशॉप के अंदर। तो कुछ आउटसाइड उनकी काफी तारीफ की थी, मैंने लाइक वगैरह कुछ बोला था। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा कैनवास और चारकोल का यूज करने का, क्योंकि मैंने मोस्टली जो पेपर पे यूज किया था चारकोल, लेकिन कैनवास पे चारकोल यूज करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस था। काफी स्ट्रगल तो करना पड़ा मुझे चारकोल को कैनवास पे रफ या डिजाइन या इरेज करने के लिए इरेजर से। नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी ये वाली। इस पेंटिंग की बात करो तो ये मेरे पे एक आइडिया, जब मैं घर पर बैठा था तो मैंने कैसा किया था, मुझे साइड में वॉल्स की तरफ एक लुक दिखाई दिया फेस की, जो वॉल टूटी हुई थी तो उसके पास में फेस दिखाई दिया, तो वो चीज मैंने इसमें बनाया। एक इसकी जो आप पास से कभी देखिए इसको रियलिस्टिक आपको बढ़िया बनाऊंगा उसके लिए। इसके जो बैकग्राउंड टेक्सचर है और इसके जो साइड में ब्राउन कलर है, ये एक पेड़ है, ऑरेंज कलर का टेक्सचर है, इसमें छोटे छोटे लाइंस का वर्क्स है, मतलब ब्रश से काफी स्मूथली एंड काफी डिटेलिंग वर्क इसमें की गई है, काफी लॉन्ग टाइप मैंने की थी। उसका जो येलो कलर का फेस है वो काफी अट्रेक्टिव है, क्योंकि साइड फेस आपको पेंटिंग को देखने काफी अच्छा लुक मिलेगा, क्योंकि उसमें एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। इसका बैकग्राउंड में आपको टेक्सचर देखने को मिलता है, मैं आपको कभी इसकी लाइव वीडियो दिखाऊंगा पास से, मतलब काफी अच्छा ये भी पेपर और एक्रेलिक का यूज किया गया है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है हमारी ये वाली। ये जो ड्राइंग है ये स्केचिंग है, पेंसिल से स्केचिंग की है, ये बोल सकते हैं आप ये मेरी फर्स्ट 3D स्केचिंग है जो मैंने काफी प्रैक्टिस के दौरान बनाई थी। मतलब मैंने फोटोज ली थी, उसको मैंने कॉपी किया था, आईवीसी में मैंने इसको कॉपी किया था। ग्रेफाइट पेंसिल मैं उस टाइम पर लाया था, न्यू पेंसिल लाया था अपनी, स्टेडले पेंसिल जो लाया था ग्रेफाइट पेंसिल उसको मैंने यूज किया था। तो काफी लॉन्ग टाइम में स्केचिंग रेडी हुई थी 3D में, क्योंकि इसमें जो शेडिंग थी या जो शेडोज थे वो मुझे सीखने थे, तो मैंने इसलिए थोड़ा हार्ड पिक्चर ली थी थोड़ी शेडिंग्स के लिए। तो उसके क्लॉथ वगैरह किया, 3D के बॉडीज की स्ट्रक्चर वगैरह दिया, इसके ड्रॉप्स अब देख सकते हैं पानी का जो निकल रहा है जब, उसको मैंने बनाने के लिए काफी प्रैक्टिस की थी। तो जब जाके मुझ पर इस तरह की स्केचिंग मिली थी मुझे, मतलब ये जो मैं ड्राइंग जितनी भी मैं ड्राइंग यूज करता हूँ अपनी स्केचिंग के लिए या प्रैक्टिस के लिए, काफी अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने प्रिंट आउट को दिखा सकते हैं, अपने कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस तरह की पेंटिंग पसंद है या किस तरह आपको ड्राइंग करनी पसंद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे साथ।